आज बंसीलाल जी मेरे से एक सवाल कर रहे थे। जैसे ही सुबह बंसीलाल जी यहाँ आए, मैं पूजा कर रहा था, बंसीलाल जी ने कहा, गुरुदेव बहुत भक्ति करता हूँ, सेवा करता हूँ, लेकिन मेरे सेवा भक्ति की कृपा ईश्वर की हो नहीं रही है। आपको भी कई लोगों को लगता है कि हम तो अच्छे काम करते हैं, अच्छी चीजों को ध्यान करते हैं, पापी तो आगे बढ़ते हैं, लुच्चे तो पैसे वाले बन रहे हैं, दुष्ट तो आगे बढ़ रहे हैं, और हम दुखी क्यों? मन में सवाल आता है। तो बंसीलाल जी सवाल कर रहे हैं कि दुष्ट आगे बढ़ रहे हैं, पापी आगे बढ़ रहे हैं, मेरी भक्ति का परिणाम क्यों नहीं आ रहा? तो आज आपको एक अच्छा उदाहरण बताना चाहता हूँ, एक सुंदर उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे। एक लकड़ी काटने वाला जंगली आदमी एक दिन लकड़ी काटने जा रहा था, तो उसको मशान से होकर के निकलना पड़ता था अपने काम के लिए। उस दिन मशान में देखा तो एक कोई संत किसी मुर्दे पर बैठे हुए हैं, और मुर्दे पर बैठ के आसपास दिए जलाए हैं, कई चीजें रखी है, पूजा की सामग्री रखी है, मुर्दे पर बैठ के मंत्र गुण रहे हैं। भाई इसको लगा कि ये मुर्दे के पर बैठ के क्या जाप कर रहा है, मुझे देखना चाहिए। उसने अपना काम छोड़ दिया, उसमें कुतूहल आ गई लकड़ी काटने वाले में कि मैं जानू कि क्या कर तो रहा है, देखू तो सही। एक वो देख लिया तो कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे हमारे ऊपर, भाई तांत्रिक आदमी लग रहा है, कहीं अपने ऊपर ही कुछ ना कर दे, इसलिए दूर से वृक्ष में छुप गया जाके ऊपर चढ़ के, वहां से देखूं कि ये क्या कर रहा है। अब ऊपर चढ़ के वहां बैठ गया तो देखता है कि ये मुर्दे पर बैठ के किसी देवी की उपासना कर रहा है। वो देवी की उपासना शव पर बैठ के होता है, किस पर? मुर्दे पर बैठ के ही होता है, उस देवी की उपासना में लगा है। लेकिन जैसे जैसे इसका जप बढ़ता जा रहा है, ऊपर से वो लकड़ी काटने वाला व्यक्ति देख रहा है, जैसे इसका जप बढ़ता जा रहा है, इसके सामने भूत पिशाच तरह तरह के जीव उत्पन्न होके इसको डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। जीवन में कोई भी सफलता आप प्राप्त करना चाहते हो, व्यापार में, पढ़ाई में, हर जगह कोई ना कोई विघ्न तो आएगा ही। बिना विघ्न इस संसार में कोई श्रेष्ठ नहीं बन सकता। हम लोगों को कई बार लगता है, अरे वो आदमी तो बड़ा पुण्यवान है, बहुत नाम कर गया, बहुत पैसा कमा लिया, समाज में बहुत यश कमा लिया, हमको ऐसे लगता है कि ये बहुत बड़ा बन गया, बहुत बड़ा आदमी बन गया। लेकिन उसके पीछे जाके पूरे उसके एक एक दिन की जिंदगी देखोगे तो उसने कितना मेहनत किया, कितने विघ्न झेले, कितने उपद्रव आए, कितने शत्रुओं ने परेशान किया, ये सब बैक हिस्ट्री बहुत बड़ी होगी हर आदमी की, जो आप नहीं जानते हो। आपको सीधा सामने उसका खाया हुआ हलवा दिखता है, वो हलवा बनाते समय कितनी बार हाथ जलाया, ये हमको किसी को नहीं दिखता। हमको ये दिखता है कि फलान चंद जी खूब हलवा खा रहा है, लेकिन कोई भी आदमी ये बनाए हुए हलवे को बनाते समय कितनी बार हाथ जलाया, ये वही आदमी जाने। जितने भी सफल व्यक्ति हैं इस दुनिया में, हर सफल व्यक्ति के जीवन में जरूर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उपद्रव, विघ्न, बाधा, दुख, संकट, इसके बगैर सफलता नहीं है। आप सफलता चाहते हो तो पहले उस सफलता के लिए दृढ़ता पहले आना कि चाहे जो आ जाए विपत्ति और उपद्रव, मैं उन सबको झेलने तैयार हूं। जो उपद्रव झेलने तैयार हुआ, सफलता की प्रथम सीढ़ी में कदम रख दिया, उपद्रव झेल। ऐसे आसानी से केला खाना है हमारा चंदूलाल जी, केला भी क्या ऐसे ही खा लोगे? उसका छिलका छीलना पड़ेगा, केला तोड़ना पड़ेगा। भले केला एकदम नरम चीज है, लेकिन उसमें भी कुछ शुरुआत में कुछ मेहनत करना पड़ेगा, कैसे ही केला घुस जाएगा मुंह में, फिर चबाना पड़ेगा, निगलना पड़ेगा। देखो ये केला आटे की तरह एकदम मक्खन की तरह केला नरम है, लेकिन उसको खाने के लिए मुंह हिलाना पड़े, दांत पीसना पड़े, अंदर डाल
डालना पड़े, घिटना पड़े, निगलना पड़े, इतना करो तब वो मक्खन जैसा केला नीचे उतरे, तो बड़ी बड़ी सफलता क्या फोगट में आ जाएगी महाराज। तो बड़े बड़े जितने संसार में लोग हुए हैं, सब सफल होने के पहले बहुत विघ्न प्राप्त किए, उपद्रव देके झेले, मेहनत देखी, शत्रु देखे। क्योंकि अगर आपके सामने कोई शत्रु नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई विघ्न नहीं है, तो समझना अभी तक आप सफलता की सीढ़ी में कदम ही नहीं रखे हैं। अगर शत्रु बहुत आ गए हैं, विघ्न बहुत आ रहा, उपद्रव बहुत आ रहा, तो समझना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। विघ्न उपद्रव और शत्रुओं को लोग अनावश्यक समझते हैं, उनको मालूम नहीं है कि जैसे जैसे दुनिया में विख्यात होते जाओगे, वैसे वैसे शत्रु, बाधा, उपद्रव ये सब आएंगे। हाँ, फल वाले वृक्ष पर पत्थर गिरेंगे के बांजड़े वृक्ष में पत्थर गिरेंगे महाराज? पत्थर कौन पड़ेगा, पत्थर कौन खाएगा? फल वाले वृक्ष। हाँ, जहाँ फल लगा है वहीं पत्थर लगेगा। आपके ऊपर कोई पत्थर मार रहा है, समझना आप लबालब फलों से भरे हुए वृक्ष हो। अगर कोई पूछ ही नहीं रहा है आपको, कोई मुंह भी नहीं लगा रहा है, तो समझना ओम शांति। क्या समझना? कुछ दम नहीं है। जिसके कोई दम नहीं है उसके पीछे कोई है भी नहीं। बड़ी टोली जिन जिन के पीछे लगी होगी फॉलोअर्स की, उनके पीछे बड़े बड़े उपद्रव भी होते हैं, उनके विवाद भी होते हैं, उनके बारे में कमेंट्स भी होते हैं, वही बड़े लोग होते हैं। अब ये साधक ना करने वाले साधक, ये साधना करने के लिए शव पर बैठे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, तो साधना क्या इतनी जल्दी सिद्ध हो जाती है? हम लोग सोचते हैं एक दीपक जलाने के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती है, समय मिले तो दिया करूं। कई लोगों के घर में तो संध्या काल का दिया कभी कभी जलता, कभी नहीं भी जलता। क्या करें महाराज, समय नहीं मिलता हमारे। तो ऐसे बैठ के साधना करना क्या तमाशा है? ऐसे हो जाएगा जैसे ही मुर्दे पर बैठ के साधना शुरू की, वैसे ही भूत पिशाच पहले आकर्षित हुए। मैंने कहा ना, सफलता के पहले क्या आता है? कोई भी सफलता हो, वो व्यापार हो, वो समाज में यश कीर्ति हो, नेतागिरी हो, संसार में कोई भी सफलता आसानी से नहीं आता, उसके पहले उपद्रव जरूर आता है ना, बाद में भी उपद्रव बने रहते हैं। वैसे भूत पिशाच को देखा, ऊपर बैठ के लकड़ी काटने वाला देखा, भूत पिशाच एकदम घबरा गया। लेकिन ये भूत पिशाच को संत ने जब तक आंख बंद करके बैठे थे, संत भी कुछ परवाह नहीं किए, लेकिन जैसे ही आंख खोला संत ने, जाप करते करते देखे कि सामने भयंकर आकृति वाले, विकराल रूप वाले भूत पिशाच खड़े हैं, घबरा गए। जैसे ही संत घबराए, ध्यान रखना आपके जीवन में सामने कितनी उपद्रव है, कितना विघ्न है, ये मायना नहीं रखता। आपकी मनस्थिति क्या है ये मायना रखता है। डर गए तो ये जो उपद्रव आए हैं ये जीत गए, और हिम्मत रखे तो उपद्रव हार गए। आप में कितनी हिम्मत है ये मायना रखता। संत डर गए, जैसे ही वो डरे एक पिशाच ने उनको पकड़ के मार दिया। लकड़ी काटने वाला देखता रह गया कि इतने हिम्मत से मशान में आके शव पर बैठ के साधना करने वाली वो प्राणी क्षण में खत्म हो गया। उसके आंख के सामने ऊपर बैठ के वृक्ष के ऊपर ही बैठ के उधर से ही देख रहे हैं, उधर से ही देख रहे हैं। कौन? लकड़ी काटने वाला। ये खत्म हो गया आदमी, देखता रह गया कितनी साधना किया, कितना किया होगा, कितनी मेहनत की, पूजा पाठ सब जमाया, कलश जमाया, मटकी की कुंडी जमाई, दीपक जमाया, धूप जलाया, कई चीजें रखी, कई तंत्र के समान रखे, कई कई किया, और अंत में इसकी क्या हुई गति? खत्म हो गया। लकड़ी काटने वाले को लगा कि ये क्या कर रहा था, मैं करके देखूं क्या? वो ऊपर से बैठे बैठे सुन रहा था ये क्या बोल रहा था। ओम काली के हूम पट, ओम काली के हूम पट, ओम काली के हूम पट, ये भी सुना सुना सुना। अब नीचे उतरा, देखे तो वो लकड़ी काटने वाला कहीं मरा हुआ पड़ा,
मुंह से खून निकला है, आंख खुला है, जीभ बाहर निकल गया, शरीर से प्राण निकल गया, कहीं पड़ा रहा। ये सोचा कि ये बैठ के क्या बोल रहा था, मैं बैठ के बोलूं तो सही। ये मुर्दे पर जाके बैठ गया। इसको हिम्मत बहुत था, उसके पास ज्ञान बहुत था। किसके पास ज्ञान बहुत था? खत्म हो गया उस पर ज्ञान बहुत था, क्या नहीं था? इसके पास ज्ञान नहीं था, हिम्मत बहुत था। कुछ जानता कुछ नहीं, लेकिन हिम्मतवान था। अपना हिम्मत लेके बैठ गया मुर्दे पर। ओम काली के हूं पट, ओम काली के हूं पट, ऐसे करने लगा। और सामने भूत आए, पिशाच आए, इसको धमकाने आए, डराने आए। ये वो जैसे इसको घूर रहे हैं, जैसे जैसे ये बोलते गया, जैसे पहले साधु के साथ हुआ, इसके साथ भी हुआ। भूत पिशाच प्रेत सब प्रकट होने लगे। पहले वाला साधु जैसे वो भूतों ने घूरा तो घबरा गया, भूत ने मार दिया। ये भूत अब ये लकड़ी काटने वाले को घूर रहे हैं तो ये भी घूर रहा है उनको बराबर से। क्या कर लोगे, देखता हूँ, ऐसे घूर रहा है। आखिर इसके घूर को देख के भूत ही डर गए, सब प्रेत ही डर गए, सब भाग गए। क्या हुआ? सब भाग गए। आहा, सब भागने के बाद सन्नाटा हो गया। सन्नाटे के बाद ये सोचता अब क्या होगा, मैंने भूत प्रेत वाली जो स्टोरी है वहां तक तो देखा ऊपर बैठे बैठे, अब क्या होगा। ऐसे बड़े उत्साह से जाप कर रहा है, ओम काली के हूं फट, ओम काली के हूं फट, ओम काली के हूं फट, बड़ी श्रद्धा से जाप कर रहा है। सन्नाटा छाया और अचानक देखो तो जो वो तंत्रवादी दिए वगैरह रखा था वो सब स्वयं जलने लगे। अचानक घंटियां बजने लगी, शंख बजने लगे। सामने देखो तो माँ महाकाली प्रकट हो गई इस लकड़ी काटने वाले के सामने। लकड़ी काटने वाले ने खाली घंटा दो घंटा जाप किया होगा। सामने काली माँ कहती है, बेटा क्या मांगना मांग, मैं तेरे पर बहुत प्रसन्न हूँ। इससे रहा नहीं गया, सीधा साधा आदमी था। दूसरा हो तो पहले मांगने में लगता, ये मांगने में नहीं लगा। ये पूछता, माँ मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जो व्यक्ति तुझे पाने के लिए इतनी व्यवस्था किया, पूजा के सामान जुटाई, कई दिनों से यहाँ बैठ के साधना कर रहा है, उसको तो तूने दर्शन नहीं दिया, उसका तो प्राण अंत हो गया, और मुझे दर्शन दिया, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, मुझे कैसे दर्शन देती तू? ऐसे काली कहती है, बेटा आज कोई व्यक्ति कौन सा काम कर रहा है उससे उस फल का निर्धारण तू कभी मत करना। वो जो व्यक्ति अभी मर गया है वो इस जन्म में मेरी साधना शुरू किया है और मुझे पाक के स्वयं की यश कीर्ति धन बढ़ाने के लालच से मेरी साधना करता था। तू आज दिखने में अनपढ़ दिख रहा है ना, लकड़ी काटने वाला दिख रहा है, लेकिन तू मेरे कई जन्मों से साधना किया हुआ है जो किसी को ना तो आज दिख रहा है, आज का तेरा वेश देख के कोई जान भी पाएगा, लेकिन तू अनंत जन्मों में मेरी साधना किया था, उस साधना का फल आज मिलना लिखा था। वो जो साधु बेटा था मुर्दे पर, वो तेरे लिए व्यवस्था करके गया है, खुद के लिए नहीं, वो व्यवस्था तेरी थी और उसने जो तेरी व्यवस्था करके रखी उस पर तू बेटा तेरे अनंत जन्मों का पुण्य फलित हो गया। आज तुझे मेरा दर्शन और वरदान मिल गया, तू सदा कल्याण करेगा क्योंकि अनंत जन्मों में तूने मेरी साधना की है। क्या किया है? अनंत जन्मों में तूने मेरी साधना की, इस जन्म में उसका फल मिलना था तो जिस दिन फल मिलना था बराबर उस जगह पहुंच गया जहां से फल मिलना लिखा। माँ ने आशीर्वाद दिया, माँ ने कृपा वरदान दिया। आप ये ध्यान रखिए, आपके जीवन में जो भी घटना घटती है इस घटना के पीछे कई जन्मों के कारण हो सकते हैं। कोई हिमालय आ गए कैसे आ सकते हैं? माँ चाहती है कि कई जन्मों की भक्ति है इनकी, इनको हिमालय बुला के आशीर्वाद दे दिया करिए। अचानक नहीं होगा कोई काम, अचानक कोई काम नहीं होगा। कोई व्यक्ति आज कुछ करता है, सफल होता है, बोलता है, भगवान मैंने तेरी कितनी पूजा भक्ति की, मुझे कुछ नहीं मिला। भगवान कहते हैं, जब तेरे कर्म शुभ श्रेष्ठ और सफलदायक होंगे मैं खुद ही तुझे सफलता दूंगा, और जब तक नहीं हो रहा है
तो समझना कि पूर्व जन्मों का कोई पाप मुझे सता रहा है जो मुझे सफल होने नहीं दे रहा है। आज आप जिस वेश में भी हो, जिस क्रिया को भी करते हो, अगर वो क्रिया सफल नहीं हो रही है तो उसका कारण भी पुराने जन्मों की कोई अशुभ क्रियाएं होगी। और आज बिना किए ही कोई कार्य सफल हो रहा तो ये मत सोचना कि मैं कुछ नहीं किया न मुझे मिल गया। तू पहले कर चुका है, ये ध्यान रखना। जो तुझे समझ नहीं है, तुझे ज्ञान नहीं है कि मैं किया हुआ हूँ, क्योंकि व्यक्ति जैसे ही नया जन्म लेता है पूर्व जन्मों के स्मरण से उसकी बुद्धि वंचित हो जाती है। वो पूर्व जन्म का याद रख नहीं पाता है कि मैं पहले कौन था। आज आपके पास कुछ मिला है, अगर वो थोड़ा मेहनत कम और प्राप्ति ज़्यादा हुआ तो ये मत सोचना कि ऐसे होता है कि मेहनत कम करे तो भी प्राप्त हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता। आपने पहले मेहनत कर लिया है जिसकी प्राप्ति आज आपको हो रही है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि मेरी इतनी भक्ति सेवा, बेटा इस भक्ति सेवा से तू अपने को मत जोड़। भक्ति सेवा अनंत जन्मों की होती है, तब जाके कहीं कृपा होती है। तो तूने आज भी काम शुरू कर दिया भक्ति करने का, इससे प्रसन्न हो जा, क्योंकि ये कल या परसों या अगले जन्म या कई जन्म में तुझे सफल करके ही रहेगा। शुरू करना जरूरी है। क्या जरूरी है? इसीलिए भगवान बोलते हैं कि तू कर्म कर, उसके फल की चिंता मत कर। भगवत गीता में कृष्ण क्या कहते हैं? तू कर्म कर, उसके फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तब आएगा जब वो कर्म पक जाएगा। फल कब आएगा? कर्म पक जाए। जब वो कर्म पक जाएगा तभी फल आएगा। कर्म नहीं पका, फल कैसे आए हमारा? तो आप अपना कर्म करो, फल स्वयं पकेगा। और कृपा के लिए सेवा करते ही रहे, करते ही रहे। हिमालय के इस गोद में बैठ के हम क्यों ये कर रहे हैं? कृपा के लिए कर रहे हैं। ये कृपा कब फलित होगा महाराज? हरी मिर्च 2 महीने में पक जाती है, टमाटर 1 महीने में पक जाता है, तो क्या जमीन में रहा हुआ वृक्ष का कोई अंश, कोयला भी 2 महीने में बन जाएगा? 2 लाख 1 लाख वर्ष तक जब ये वृक्षों के टुकड़े जमीन में रहते हैं, आपने कोयले के खान के बारे में सुना होगा कि इन खानों में कोयला निकलता है। ये कोयले कैसे बने? लाखों वर्ष पहले जमीन में धसे हुए वृक्ष के टुकड़े, दूसरे विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के टुकड़े जब जमीन में पड़े रहते हैं, पड़े पड़े वो कोयले बनते हैं जो धरती से निकलता है। नई बेली लिग्नाइट के बारे में सुना होगा, तमिलनाडु में कोयले का खान है नई बेली में, जहाँ नई बेली से कोयला निकलता है। कैसे निकलता है? लाखों वर्ष। आपको कोयला चाहिए, लाखों वर्ष इंतजार करना पड़ेगा। सोना चाहिए, कोई वस्तु अंदर पहुँचा वो सोना बनने के लिए समय लेता है। अगर आपको कोई 2 पैसे की चीज चाहिए तो 2 मिनट में मिल जाएगा। तो जैसे आप प्राप्त करना चाहते हो वैसे उसके लिए पकने समय भी देना पड़ेगा। उसके बाद भी वो नहीं मिल रहा है तो विधि का ये विधान है कि तेरा कर्म जब पूरा होगा तभी तुझे मिलेगा, और नहीं मिले तो समझना ये कर्म अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है। और जिस दिन होगा उस दिन मिलेगा ही मिलेगा। चीजों के पीछे मत पड़, ये नहीं मिला उसके पीछे मत पड़। तू तेरा कर्म करते रहे, चीज देने का काम प्रभु करेंगे, तुझे नहीं करना है वो काम। चीज लेने का काम कौन करेंगे? हाँ, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। वृक्षों के पास जाके हम फल मांगेंगे तो फल देगा कि पानी डालने से फल देगा? पानी डालने से फल देगा। अगर पानी डाल रहे हो, कुछ नहीं मांग रहे हो तो भी फल देगा क्या? पानी डाल रहे हो लेकिन रोज वृक्ष को नहीं बोल रहे हो फल दो तो भी फल देगा? देगा। और पानी नहीं डाल रहे हो, फल दो कर रहे हो, फल देगा? वृक्ष मुरझा जाएगा, वृक्ष खत्म हो जाएगा। तो मांगना महत्वपूर्ण नहीं है, कर्म करना महत्वपूर्ण है। कर्म करोगे तो जो आना है वह स्वतः आएगा।